अभी 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 तो उठाऊं ऐसे ही लाइट ब्लू पाउडर लिया वाइट के साथ पाउडर से ही शेडिंग देनी है आपको बिल्कुल हल्का 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 वाइट के साथ अंदाज़ा आपने रखना है कि पंछी का पैर कहाँ पर है जैसे हम लोग पेंटिंग में करते हैं वैसे हमने लाइट करके फिर डार्क से शेड देना है ये टोटली हाई टेक रंगोली है और सारा ही पाउडर से बनाया गया है आप देख सकते हैं ये सारा पाउडर है इसकी ब्यूटी अपने आप में है हटवा दो मैं तो वो ही कोना चाहिए टेबल का लास्ट वाला ये पूरा हटवा दो आप आज मैं कर देता हूँ 5 बजे भेज दो उनको मैं साथ लेके करा दूँगा खाली टेबल बाकी ले लो ये रही यही पड़ी है सभी टेबल ये हमारी 3D बनेगी इसलिए मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ कि 3D वाली कैसे है ये वाले सर हाँ अब आप लोग कब बुला रहे हैं हमारे बिट्टू भाई साहब जी को आपके शहर में आपके सोसाइटी में भी आप लोग कर सकते हैं इस तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट क्योंकि स्पेस चाहिए बड़ा जितनी से स्पेस होगा उतनी अच्छी बात है जितना स्पेस होगा उतना एरिया कवर होगा आपके साउथ में शायद मुग्गू बोलते हैं इसको साउथ में मुग्गू कलरफुल भी आता है उसी से बना रहे हैं मुग्गू पाउडर होता है ये देखिए हमारे एक बच्चे आए थे यहाँ पर इसके ऊपर ही गिर गए ये पूरा भी टचिंग करना होगा दोबारा से वो वहाँ से गिरते हुए आए ऐसे करके यहाँ पे फेस के ऊपर ये वाला फेस नहीं वो दोबारा जाएगा तो बच्चों से ध्यान से देखकर बनाना आप लोग भी चांसर ऑनलाइन इसका फेस कैसे बनाओगे अगर बनाना ब्रश से प्लेन करके क्ले से उबार के प्लेन में फिर ब्रश से सर नीचे पैर ऊपर करेंगे एक ही बार इतनी मोटी लेयर होती क्ले में जैसे बना बनाएंगे ये क्ले से बना हुआ है इससे नहीं बनेगा इससे भी बनेगा बन जाएगा ना
बिट्टू जी हो जाएंगे फेस दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। बिट्टू जी हर जगह जाते हो, दो दिन ऐसे ही पहले बनाते हो? एग्जीबिशन लगे सेकंड टाइम आ रहे हैं सर, पहले तो करना पड़ेगा, दिखाओगे तो सही क्या बना रहा है। किसी को कैसे पता चलेगा? फोटो में नहीं दिखता, इंप्रेस होते हैं। हाँ, और फोटो में देख के नहीं पता लगता। हाँ, वैसे नहीं, फोटो में जब पिछली बार जब बुलाया था ना मेरे को तो लग रहा था पता नहीं क्या रंगोली तो नहीं हो सकती, और यहाँ पे देखा था सेम टू सेम ये लड़का बिल्कुल ही। कहीं ने मुझे ये बोला कि पेपर तो नहीं रख रखा था। हाँ, क्योंकि देखा था। ये देखिए, अब फ्रेम से एक पंछी बाहर निकल के भागता हुआ नजर आएगा आपको। ये देखिए, ये 3D हो रहा है अभी, जैसे पंछी भागता है ना फ्रेम में से निकल के भाग रहा है, ऐसा लगेगा आपको। एवरीबॉडी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। काम कौन कराएगा? वो देखो। अरे किस चीज की है ये, तो डिफरेंट है। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी पेंटिंग क्यों नहीं करती हो? वो उनको मनीष ने नहीं देंगे, कौन लेंगे? विशाल सर देते कि मनीष? उनको छुट्टी कर दी हमने आज, नहीं कल बुलाया। ना ना, कल मैं कल दिन करूँगा। वो तो गया दोनों का काम हुआ है। हो गया बेटा, ऐसे नहीं होता, सुबह से बैठे हैं। पीछे को बहुत जल्दी बिट्टू जी की वर्कशॉप दिल्ली में होगी। आप लोग जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर बताएं हमारे को। नोएडा, आश्रम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद एंड दिल्ली, गुड़गांव। फाइव से सेवन डेज की आपको ज्वाइन करनी होगी वर्कशॉप दिल्ली वालों को। विशाल पानी पिला दो इन्हीं में, मेरे को भी खाना है, पानी भी है। थैंक यू बॉबी।
नहीं और नहीं आ छाया बन रही इसकी है ना शैडो एवरीबडी हो गया हमारा 3D रंगोली सब्जेक्ट भी कैसा लगा आपको कैसा लगा आप लोगों को हमारे बिट्टू जी